नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। ये चलिए आपकी कक्षा में की मैथ की क्लास, जिसमें हम आपका पढ़ रहे हैं आपका अभ्यास चार, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ये जो आपका क्वेश्चन है वो अभ्यास चार दो का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का चार हल लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, तीसरा, तीन समीकरण दिए गए और तीनों समीकरण के चार हल लिखने हैं। दोस्तों, एक चीज जान लीजिए, चार हल लिखने का मतलब एक्स वाई के चार मान निकालने हैं, और अगर चारों मान निकल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला वाला, पहले वाले क्या करेंगे, चार हल निकालेंगे। तो देखिए, चार हल का मतलब क्या होता है। पहले देखिए, लिखा 2x + y = 7। तो हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, y बराबर इधर 7 है, 7 हो जाएगा, 2x इधर जुड़ रहा है, उधर भेज देंगे क्या होगा, घट जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि y यहां रहने दिए, ये इधर जुड़ रहा है, इधर जाके घट जाएगा। हमने कई बार आपको बताया है कि अगर इधर प्लस होता है तो दूसरी तरफ जाके माइनस, और माइनस रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है प्लस हो जाता है। ऐसे जब गुणा रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो गुणा हो जाता है, हो जाता ना दोस्तों। चलिए आइए, क्या करते हैं, वाई बराबर 7 - 2x है। तो अब हम क्या करते हैं ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, एक खूब बढ़िया समझा रहे, बाकी ये थोड़ा तेज लगाएंगे ताकि आपको खूब आसानी समझ में आए। देखिए, x बराबर 1 रखने पर, इसमें जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 7 - 2 और गुणे x के स्थान पर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 2 = 2। कहने का मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया ना, चार हल लिखने हैं, अभी तो एक हल हुआ केवल। अब क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर वैसे पहले 0 ही लिखना था, कोई बात नहीं, 0 बाद में लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे यहां लिख सकते हैं। आप x का कोई भी मान रखेंगे, y का मान दूसरा आएगा। तो चलिए, x बराबर जब 0 रखें तो इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 = 0, मतलब 2 × 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। आया ना, दो हल हो गया, हुआ ना। अब क्या करते हैं, तीसरा हल इधर लिखते हैं। देखिए, x बराबर, अब x बराबर कितना रखें, 1 हो गया, 0 हो गया। अब x बराबर क्या रखते हैं, माइनस का एक रखते हैं। काफी आसान सवाल है दोस्तों। अब जब यहाँ x बराबर -1 रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 × -1, माइनस माइनस का गुणा प्लस, मतलब 7 + 2 = 2 हो जाएगा। y बराबर 7 - 2 = 9, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। कितने हल हो गए, 1, 2, 3, तीन हल हुए, अभी चौथा हल भी चाहिए। x बराबर -1, अब लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर। देखिए, x बराबर जब 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 2, 2 × 2 = 4, मतलब y बराबर क्या हो गया, 7 - 4, y का मान कितना आ गया, 7 में से 4 जाएगा, जब 7 में से 4 निकालेंगे, 4 × 3 = 7 होता है 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखिए, चार हल हमने निकाल लिया, x और y का मान, फिर x, y का 2, 3 और 1 = 4। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बनाएंगे सारणी, क्या बनाएंगे, सारणी। देखिए, ये सारणी हम बना रहे हैं, चार मान निकाले, चारों मान इसी में हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इसका ग्राफ भी बनता है दोस्तों, ग्राफ आपके सिलेबस से कट गया है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, x का मान 1 रखे थे, जब x का मान 1 रखा गया था तो y का मान कितना आया था, 5 आया था, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है ना। एक हल हो गया, चार हल निकालना। अब फिर x का मान 0 रखे थे, x का मान जब 0 रखे थे तो y का मान दोस्तों कितना आया था, 7 आया था, तो अब कितना हो गया, 7 हो गया। फिर x का मान -1 रखें तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया दोस्तों। फिर x का मान कितना रखा हमने, 2 रखा, तो 2 रखें तो y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो है आपका पहला समीकरण का चार हल ये हो गया। देखिए, पहला समीकरण 2x + y = 7, इसका हमने क्या किया, चार हल निकाल लिया, ये आपके चार हल हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको आसानी समझ में आओगा। अगर समझ में आओ ना, अब अगर समझ में आओगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करके बताइए, हाँ सर समझ में आ गया, बहुत ही आसानी समझा रहे।
बस मान रखना है, इस पे मान रखते चले जाइए, हल करिए, x का मान एक रखेंगे, y का मान पांच आएगा, ऐसे आता चला जाएगा, बहुत ढेर सारे आएंगे, जरूरी नहीं है ये आए, आप अगर x का मान कुछ और रखते हैं तो y का मान कुछ और आएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा वाला समीकरण देखते हैं, पहला हो गया, आप दूसरा समीकरण देखते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी समझा रहे हैं, मतलब एकदम बच्चों की तरह ऐसा समझ के समझा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, मैथ में इस तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हटाते हैं और सारणी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो पहला वाला आपका हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं एक्स वाई देख के मैथ में घबरा जाते हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम आपको एक चीज और सिखा देते हैं, आप रखेंगे कैसे मान, हम बताते हैं आपको, आपको सबसे पहले x बराबर जीरो रखना है, फिर x बराबर आपको एक रखना है, फिर आपको माइनस एक रखना है, फिर x बराबर दो रखना है, ऐसे रखते जाना है, ठीक है ना। अब कहिए कि सर कहें जीरो एक माइनस एक दो फिर माइनस दो, दोस्तों ये होता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है, नहीं तो आप बड़े से बड़ा रख सकते हैं तब भी मान निकलेगा, ऐसा नहीं है कि ना निकले। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे y बराबर लिखते हैं, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, ये पाई x जो है इधर चला जाएगा, तो 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, होगा ना, ठीक। देखिए वाई बराबर, अब यहां लिखेंगे पहले एक्स बराबर जीरो रखने पर, क्या रखने पर, जब एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो कितना होगा, वाई बराबर देखिए 9 माइनस जब पाई गुड़े जीरो, इतना होगा कि नहीं, तो जब जीरो का गुड़ा पाई से होगा तो जीरो हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो जब एक्स बराबर जीरो रखें तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, तो y के स्थान पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, जीरो रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे x बराबर कितना रखें दोस्तों, एक, एक रखने पर, जब x बराबर एक रखेंगे रखने पर, तो y का मान कितना होगा, y बराबर 9 माइनस पाई का गुड़ा x से करेंगे, पाई गुड़े एक, तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 9 माइनस का पाई का मान क्या होता है, पाई एक कम पाई, तो पाई का मान होता है 22/7, इतना होता है ना दोस्तों, या तो सिर्फ आप पाई ही लिखिए, क्या लिखिए, पाई लिखिए, इतना, ठीक है ना, आप इतना भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इतना भी आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे 9 माइनस पाई, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं, 9 माइनस 22/7 करते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 माइनस 22/7, y बराबर कितना हो जाएगा, दिख रहा है दोस्तों, यहां तक दिख रहा था ना, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए यहां करते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर 3 में से 2 गया 1, इधर 6 में से 2 गया 4, 41/7, ठीक है ना, 41/7, तो यहां क्या लिख देंगे, 41/7, जब क्या रखे हैं, जब मान रखे x बराबर 1, तो y बराबर आ गया 41/7, अब x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस का 1, ये एक हो गया कैलकुलेशन, ठीक ना, ये रहने दीजिए, फिर रखेंगे x बराबर माइनस का एक रखने पर, जब x बराबर माइनस का एक रखेंगे तब क्या होगा, कलर बदल दे रहे हैं, तो जगह y यही लिखे हैं, y बराबर 9, अब देखिए प्लस, ये x है, माइनस का एक रखा गया, तो पाई गुड़े माइनस का एक, माइनस माइनस का प्लस, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस पाई, यही होगा ना, अब पाई का मान 22/7 था, यहाँ 63 - 22/7 हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 63 + 22 और पूरे का 7 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 2 5 और 6 2 8, 85/7, 7 से कटता है क्या, 7 1 = 7, ये क्या नहीं कटेगा, तो जाएगा 85/7 हो जाएगा, क्या होगा, 85/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 रखेंगे, उसका मान कितना रखेंगे, 2, तो एक मान ये भी तो निकला, आपके बुक में दूसरा भी आ सकता है, पाई से रिलेटेड भी आ सकता है, पता लगे x का मान ना रख के y का मान रख रहा हो, और y का मान रखे तो x का मान कुछ और आ रहा हो, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए y बराबर हो गया, अब लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, बस आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, पर तो देखिए जब x बराबर 2 रखा जाएगा तो यही है, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, यही तो होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुड़े 22/7, ये हो जाएगा 9, देखिए यहाँ बटे 1 कर देंगे तो 7 9 63 हो जाएगा, 63 - 22 = 44/7, दिख रहा है यहाँ तक का, ठीक। और आगे करते हैं, तो देखिए y बराबर, अब 63 में से 44 घटाइए, 13 में से 4 गया
नौ, यहाँ बचा पांच, पांच में से चार गया एक, उन्नीस बटे सात, तो वाई बराबर कितना आ गया, उन्नीस बटे सात आ गया, उन्नीस बटे सात। तो देखिए ये दूसरे वाला जो समीकरण था पाई एक्स प्लस वाई का बराबर नौ, इसका जो समीकरण था उसका हमने चार हल निकाला, ये चार हल निकल गया उसका। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, आप कोई भी मान रखेंगे तब भी उसका मान आएगा, एक्स का मान रखें या वाई का मान रखें, हम जरूरी नहीं है कि एक्स बराबर जीरो रखें, हम वाई बराबर जीरो रख सकते हैं, बस ध्यान दीजिए तब यहाँ जीरो लिखिएगा, ठीक है ना, कोई गलत नहीं होगा, एकदम ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। चलिए पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, अब तीसरा वाला देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा वाला देखते हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो और मतलब मन करता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाए और अच्छे से बनाए और बढ़िया समझाए, जहां नहीं समझ में आएगा वो भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ x बराबर फोर वाई लिखा, तो क्या करेंगे आपके पहले ही सारणी बना लेते हैं। चलिए देखिए ये खींच दिया हमने, चार हल लिखने हैं, यहां लिख लेंगे x और यहां लिख लेंगे y, एक हल दो हल तीन हल चार हल, एक दो तीन चार, देखिए आप जो कहेंगे उसको भी मान रख सकते हैं, पहले आपकी जीरो रखेंगे फिर एक रखेंगे माइनस एक रखेंगे फिर दो रखेंगे, ठीक है ना, ऐसे x के स्थान पे। तो देखिए दोस्तों आपकी y का मान रखते हैं, बहुत हो गया x का मान, अब की बार y का मान रखते हैं, यहाँ ऊपर क्या रखते हैं y लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ ऊपर क्या रखेंगे y रखेंगे और यहाँ पर x रखेंगे, बदल देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब पहले y बराबर जीरो रखेंगे फिर एक फिर माइनस एक फिर दो रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जब लिखेंगे यहाँ पे y बराबर जीरो रखने पर, रखने पर जब y बराबर जीरो रखेंगे दोस्तों, तो देखिए x बराबर चार गुड़े जीरो, ये तो होगा y के स्थान पे क्या कर दिए जीरो रख दिए, यहाँ y है ना तो y के स्थान पे जीरो रख दिए, तो x बराबर कितना आ गया जीरो आ गया, मतलब जब जीरो रखे तो जीरो मिला। अब क्या करेंगे y बराबर एक रखने पर, रखने पर जब y बराबर क्या किए एक रख दिए, तो y बराबर एक रखेंगे तो जाएगा x बराबर चार गुड़े एक, तो x बराबर कितना आ गया चार एक का चार, तो जब एक रखे तो x का मान कितना आ गया चार आ गया, ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर एक तो हो गया माइनस का एक, माइनस का एक रखने पर, रखने पर, ठीक है ना, अब y बराबर माइनस का एक रखने पर अब देखिए कितना आता है, तो x बराबर चार गुड़े माइनस का एक, अब x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस चार, तो माइनस चार आ गया, क्या हो जाएगा माइनस चार। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, अगर प्लस गुड़े प्लस हो तो हमेशा प्लस आता है, माइनस गुड़े माइनस हो तब भी हमेशा प्लस आता है, माइनस गुड़े प्लस हो तो माइनस, और प्लस गुड़े माइनस हो तो भी माइनस आता है, ये चीज याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो इससे स्टार मार्क लगा के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिस कॉपी में आप सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज समझ में आया, प्लस गुड़े प्लस बराबर प्लस, माइनस गुड़े माइनस बराबर प्लस, और फिर माइनस गुड़े प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुड़े माइनस बराबर माइनस। दोस्तों ये समझ में आया तो मैथ का जान लीजिए बहुत बढ़िया चीज समझ में आ गया। अब देखेंगे ये एक हल दो हल तीन हल हुआ ना, अब एक चौथा हल निकालते हैं, यहां तक दिख रहा है दोस्तों, चलिए यहां निकाल लेते हैं चौथा हल, ठीक ना, ये पहला हल था, ये दूसरा हल था, ये तीसरा हल था, और यहाँ पे चौथा हल निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे y बराबर मान रखना है, y बराबर दो रखने पर, दो रखने पर, रखने पर जब y बराबर दो रखेंगे तब देखेंगे कितना आएगा, देखिए दोस्तों y बराबर दो रखेंगे तो जाएगा x बराबर चार गुड़े दो, x बराबर चार दुना आठ हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आठ आ गया, ठीक है दिख रहा है ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आठ हो गया। तो दोस्तों ये आपके समीकरण का, तीनों समीकरण का हमने क्या किया चार चार हल निकाल दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए एनसीईआरटी को एकदम आसानी समझने के लिए आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला, खोज लीजिए कहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा सवाल समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो हमारा चल रहा है उस पर आप मैसेज करिए फोटो खींच का क्वेश्चन का, हम उसका क्या करेंगे सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।